आकार होते हैं। पहला होता है कोयल का, दूसरा होता है डैचोन, और तीसरा होता है फिगरोफे एड, और नंबर चार होता है फ्लैगिंग रोल। के चार होते हैं कोयल रोल। कोयल रोल है वो मुख्यतः फायर टेंट या स्टोर रूम में होज को रखने के लिए हमेशा कोयल रोल से लपेटते हैं। दो नंबर में है डच रोल। डच रोल हाई राइज बिल्डिंगों में इसका यूज किया जाता है। हाई राइज बिल्डिंगों में इसको राइजर के आउटलेट के पास रखते हैं, उस होज बॉक्स में आपको डच रोल किया हुआ मिलेगा। इसमें मेल और फीमेल कपलिंग दोनों एक तरफ आ जाती है, ठीक है। तीसरा होता है फिगरों पे एड। इस होज रोल का उपयोग जब हम फायर पोल पे गए हुए होते हैं और कुछ टाइम या तो किचन से तेल ग्रीस या कुछ भी ऐसा पदार्थ लग जाए जिससे होज गंदा हो जाए, तो इसको फिगरों पैड में जल्दी से मतलब फिगरों पैड में होज हमेशा जल्दी लपेटा जाता है। इसलिए इसको लपेट लेते हैं और आने के बाद इसको वॉशिंग करके पुनः कोयल रोल में लपेट के इसको फायर टेंट या स्टोर रूम में रख देते हैं। चौथा होता है ब्लैकिंग रोल। ब्लैकिंग रोल है वो हमेशा एयरपोर्ट पे आपको क्रैश टेंट में मिलेगा। ये क्रैश टेंट में रखने के लिए हमेशा ब्लैकिंग रोल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कोयल रोल का उपयोग है फायर टेंट और स्टोर रूम में। डच रोल का उपयोग है फिक्स फायर इंस्टॉलेशन एंड हाईलाइट बिल्डिंगों में, ठीक है। फिगरों पैड का उपयोग खोद के गंदा होने पे या लगने कीचड़ वगैरह लगने ग्रीस जेल लगने या फिर जिस फायर पोल पे गिर गया और दोबारा फायर पोल हो जाए तब फिगरों पैड में लपेटते हैं ताकि ये जल्दी लपेटा जा सके और जल्दी खोला जा सके। और चौथा होता है फ्लैगिंग रोल जिसका उपयोग क्रैश टेंट में किया जाता है, ठीक है। कोयल रोल इस टाइप से इसको क्या बोलते हैं कोयल रोल इस तरीके से लपेटा जाता है। और जो ये तरीका लपेटा हुआ है ये कौन सा है, ये है डच रोल। ये पहला है कोयल रोल इस तरफ से लपेटा जाता है और डच रोल है